सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकर शिर बलिद भोल सांचे धरराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड शलके दीर्घ शिव उवाच दीर्घितं भक्तसुलभे सर्वकार्याभिधायिनी करो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं रोहि यज्ञतः। दीर्घोवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश्च साधनम् मया तमेव स्नेहेन ब्रह्मा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टुभ छन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गापाठे विनियोगः। श्रीदेवी भगवती भराधा कृष्ण मोहाय महामाय प्रयश्यति। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मरिमतीमशुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखविहारिणिका त्वदन्याम् सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ताम् सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ते समन्विते वैव्यस्राहिणो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगानशेषानमहसितुष्टा रुष्टा दुःखमान सकलानभीष्टा त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितायाशयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्रीदुर्गाष्टोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणु श्रोतमहानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। प्रीता भवानि पदमाचनि आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणि पिनाकधारिणि चित्रा चण्डघण्टा महातला मना बुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिदाचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भवनी भव्य 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी अपर्णा एकवर्णा च पाटला पाटलावती
पट्टाम्बर परिधाना कलमञ्जीरञ्जनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी भरदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गा मुनिपूजिता भ्रामी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव मालाही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलात्कर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भशुम्भहनने महिषासुरमर्धिनी मधुकेटवहन्त्री च चण्डमुण्डा विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैतकन्या च कैशोरी सुमती रतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रिस्तभस्विनी नारायणी भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरी शिवधूते कराले च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मभादिनी या इदं प्रभटे नित्यं दुर्गा नाम सदाशकम् असाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायामयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्द लभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु धत्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजये त्वरया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वेश्वरभरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गौरवेन सिन्धोरकर्मोरमधुत्रयेण विलक्ष्ययन्त्रं हृदिना विलग्य सधार्यते पुरारिः भौमावासरानिशामग्रे चन्द्रे शतनिशाङ्गले विलक्ष्य प्रपठे स्तोत्रं सर्ववे सम्पदां पदाम् प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सब का कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवघर के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में
सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधकजन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते ही उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजन ने मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मां के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अञ्जन्या सोक्त मातरा भीलं दिगबन्ध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उभच ॐ जद्भुयं परमलोके सर्वरक्षाकरं निनाम यन्नकस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मा उभच अस्ति गृहतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् पुण्यं तश्रश्वा महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रकण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना धर्यमानस्तु शत्रुमध्ये गदारणे विषमे दुर्गमे चैव प्रयान्तः शरणं गता नातेषां जायते किञ्चित् अशुभवृणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखाभयं नहि ज्येष्ठ भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संश्रयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा बालाहि महिषासनाम् एन्द्रे गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासनाम् माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी श्रीवाहनाम् लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी वृषवाहनाम् ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता यत्तेता मातरः सर्वः सर्वयोगः समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नविशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधः समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिफलं च मुसलाद्युतं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्ताजुतं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च दारयन्त्यायुधानिष्ठं देवानां महिलाय मे नमस्तस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्कृत्य शत्रूणां भयवर्धिनि प्राचा रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव दुहाराहि नैरृत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणे रक्ष वायभ्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी ईशानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणिमे रक्ष नृतस्ता वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शववाहनम् जया मे चाग्रतः पातो विजया पातो पृष्ठतः अधिका भाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मध्योतिनि रक्षतु मामूर्धनि व्यवस्थिता बालाधरि ललाटे च प्रभो रक्षे यशस्विनि
सुनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये दमनङ्का च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपालकालिका रक्षे कर्णमूले सुशाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरस्य च चर्चिका आकरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे दुर्गन्धिका घण्टिकां चित्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे शिव कं रक्षे वाचा मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकोपरि स्कन्धयो खड्गने रक्ष बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयो दण्डने रक्ष दम्भिका चाङ्गुलेषु च नखासुरेश्वरि रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरि सनो रक्ष महादेवी मना शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामने रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरि तथा भूतना कामि कामेकं गुदे महिषवाहिनी कक्षां भगवती रक्ष जानुनी विन्दवासिनी जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनी गुरुभयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्तलवासिनी नखाङ्गष्टाकराले च केशाचेवोद्धकेशिनी रोमकूपेषु कोबेरे त्वचं राजेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासा न्यस्ति मेधांसि पार्वति मन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं त्रामुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकौशे कवे चूडामनेश्वरा ज्वालामके नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनो बुद्धे रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापाणो तथा ध्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभनम् रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जोगिनी सत्त्वं रजस्तु वर्षेव रक्ष नारायणी सदा आयो रक्षतु आराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणीं गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां समधा रक्ष मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनां जलस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु जदेच्छे सुरवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रेव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे मतुलं प्राप्नोति भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्राम्यश्व पराजितः त्रैलोक्ये सुलेत्नोजः कवचेनामृतः भवान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् या पठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्रं श्रद्धयान्विता देवी कला भवे तस्य त्रैलोक्यश्व पराजितः जीवेत् वर्षशतं सहस्रम् अपवित्रोऽपि वर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यदृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलदाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालकृष्मण्डविर्वाद्यः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानानतिर्भवेदाज्यस्तेजोवृद्धेकरं परम् जगसा वर्धते स्वामि कीर्तिमण्डितभूतले जगे सप्तशते चण्डे मृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलावनकाननं तावत् तिष्ठति मे धिन्यां सन्तति पुत्रपोत्रिणी
देहं देवं स्थानं यस्रेण विधुर्रपं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह वदने अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनष्टौ छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रेतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनि दुर्गाक्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमस्ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्विहारिणि जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमस्ते मधुकेतव विद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि महिषासुरगर्भाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि रक्तबीजावदे देवि चन्द्रमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्रक्षस्य च वर्धिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि वन्दिताङ्ग्रियुगे देवे सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि तु भद्रा भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि चण्डिके सततं जयत्वमर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि विदेहि दुःखनाशं विदेहि बलमुच्यते रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि सुरासुरशिरोरत्नानिकृष्टाचर्म्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनगुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि प्रचण्डदैत्यसर्वज्ञ चण्डिके प्रलताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि कृष्णेण संस्तुते देवि षट्सद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि हिमाचलसुदानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि इन्द्राणीपति सद्भावा पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि देवि प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्यदर्भविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि देवि भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं कारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशते सङ्ख्या भरमापनोति सम्पदा अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवा ऋषिः अनष्टमछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता
श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशते पाशांगत्वेन यमे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिनेत्रदिव्यचक्षुषे श्रियः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्भिरानीयान् मन्त्रानामभिकीलकम् स्वविक्षेममवाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुमरां देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रम् लेचण्डिकायास्तु तच्चदुक्तम् चकार सः समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताम् यथावन्नियन्त्रणाम् स्वविक्षेममवाप्नोति सर्वमेवम् न सञ्चयः कृष्णायाम् वाचसुरदशमष्टम् यावा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति एतरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्क्रियाम् विधायेन नित्यम् जपति संस्फुटम् स सिद्धः सकलः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न देवापृतस्तस्य भयम् वापीह जायते नापमृत्यो वशम् जाते मृतो मोक्षामवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणोऽपि नश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते लनाशने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् क्षणेषु जाप्यमानेषु स्तोत्रे सम्प्रत्युच्यते भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परामोक्षः स्तूयते सानकम् जनैः श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र गिरिनन्दनि नन्दितमे जनि विश्वविनोदनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विश्वविलासनि विश्वनुते कण्टकुटुम्बनि भूरि कुटुम्बनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनुरम् नकवरदनि शैलसुते करे
Thank you.
लास्ट पेज पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर निशामया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजां नैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध शतं कृत्वा जगदम्भेति चोच्चरे यां गतिं समभापनोति मातां ब्रह्मादयासुरः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहम् जगेश्वसि तथा गुरु अज्ञानाद्विस्मृतेरभ्रान्त्यां यान्यो नामधिगमृतां तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे गृहानार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यदोत्रित्वं गृहानास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि सचियां जत हले माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे धर्म की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से वाय निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ये भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस मजगजननी यक्त माता का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं, माँ के चरणों का ध्यान कर करके
माँ के चरणों में नतमस्तक होते ही माँ को नमस्कार करते ही माँ से प्रार्थना करते ही इस माँ जगजन्य की उन शरण धूतों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्त जनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। उनके सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं और उनका जीवन जो है मंगलमय हो जाता है। उनके सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं और सब ओर से भक्त जन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। सत जन्मार्जितैर घोरे ब्रह्म हत्या समयरपि पाठ मातेन मंत्राणाम मुच्यते सर्वकल्मेश। इस प्रकार से स्तोत्रों द्वारा भगवती का श्रवण करने से माँ की स्तुति करने से कहते हैं कि सात जन्मों के पाप जो नष्ट होते हैं जहाँ तक ब्रह्म हत्या तक जो है वह भी जो है भगवती का श्रवण करने से माँ की स्तुति करने से जो मंत्र पाठ करने से वह उन पापों से वह साधक जो है मुक्त हो जाता है। माँ भगवती की साधना से माँ की आराधना से जो है मनुष्य पापों से मुक्त होता है। और जनता कहते हैं किस तरह से जो सत्संग किया जाता है उस माँ जगजननी आदि शक्ति की आराधना की जाती है तो उसका जब साधक जो सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ की शरणागत होकर के जिस संकल्प लेता है कि माँ मैं तेरी शरण में हूं, मैं तेरी शरण में हूं, माँ मुझे क्षमा कीजिए और आज से जो है मैं अपने अपराधों की क्षमा याचना करता हुआ आगे के लिए संकल्प लेता हूं मैं कभी कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। माँ मुझे शक्ति दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, जो मैं संकल्प लेता हूँ माँ आपके चरणों में। तो इस प्रकार से जब जो है इस तरह से साधक संकल्प लेता है तो कहते हैं कि उसका दूसरा जन्म हो जाता है। जीते जी दूसरा जन्म हो जाता है अर्थात उसका जीवन दिव्य पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से जे फल होते हैं माँ की साधना का, भगवती की साधना का, भगवान की आराधना का, जी सत्संग का जो है जे फल होता है। कहते हैं एक घड़ी आधी से पुण्याद तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। सत्संग का एक शब्द भी यदि कान में उसकी धुन पड़ जाए और उस शब्द जो है जीवन में उतर जाए तो मनुष्य का जीवन जो है वह बदल जाता है, ऐसा परिवर्तन आ जाता है। और ये सब तभी होते हैं जब देव कृपा होती है, माँ भगवती की कृपा होती है। मैं इस नर में आपको दृष्टांत दे रहा हूं। कहते हैं कि एक बार एक चोर ने राज दरबार में जो है चोरी की और चोरी कर करके बन की ओर चला गया। आप पीछे जो सिपाहियों ने जो है उनका जो पीछा किया उसके चंद चिन्ह देखते हुए जो है उसके पीछे पीछे चलते गए। चोर को पता चल गया, उसने बन की ओर प्रस्थान किया और वहां पर सारा धन छिपा दिया और वहां से अब जो है प्रस्थान किया, नगर की ओर चला गया। वहां नगर में देखा कि एक स्थान पर जो है सत्संग हो रहा था, देवी का मंदिर था और वहां पर जो है एक संत महाराज जी कथा कर रहे थे, कथा हो रही थी और वह नगरवासी वहां पर सत्संग में बैठे हुए थे, सत्संग सुन रहे थे। और वह चोर भी जो है उसने देखा अब कहां जाऊंगा तो यहीं पर चलता हूं। मन में ऐसा विचार है कि मैं भी यहीं पे बैठता हूँ। अब वहां से निकला और उस सत्संग की जो भीड़ लगी हुई थी उन्हीं के बीच में जाकर के वह चोरी बैठ गया, सत्संग सुन रहा था। और सत्संग में जो है संत महाराज जी बतला रहे थे कि जो उस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के जीवन में संकल्प ले लेता है मैं कभी कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा, कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, तो उसका नया जन्म हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। जिन्हें सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से उसके शरणागत होकर के उससे प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। उसकी जो शरणागत हो जाते हैं माँ का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और जिससे उसका जीवन जो है वह परम पवित्र हो जाता है। बस सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से जो उनकी शरणागत हो जाता है। ये कथा चल रही थी और जिस शब्द जो है चोर के कान में पड़े तो उसके मन में आया कि मुझे इतना जीवन हो गया चोरी करते करते। कभी जो है सिपाही पीछे पड़े हुए हैं, पकड़ कर ले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं,
इतने जीवन चल गए, कभी कोई सुख शांति मिली नहीं। आज जहाँ थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ तो मन में आत्म शांति मिली है, और ये जो महाराज जी बोल रहे हैं कि उसके शरणगत होकर के उसकी शरण लेकर जो संकल्प ले लेते हैं कि कभी कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, कभी बुराई के रास्ते पर नहीं चलूंगा, तो उसका नया जन्म हो जाता है। तो मैं क्यों ना अब जो है पिछला जीवन तो बीता, अगला नया जन्म जो है नया जीवन जी, ऐसा उसके मन में विचार आया। तो उसने वहीं पर संकल्प लिया कि हे माँ, जहां पर बैठे ही मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। माँ तेरे शरणक धो करके तेरी आराधना करूंगा। माँ मुझ पर कृपा करना, मुझे शक्ति देना, मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे ज्ञान देना। माँ मैं तेरी शरण में हूं। गीता में भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने सर्वधर्म परित्यज्य माँ मे को शरणम ब्रज, हम तो हम सर्व पापे भी हो मोक्ष्यामि माँ सुचा, कि सब धर्म का त्याग करके जो है तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसमें सर्वधर्म परित्यज्य का अर्थ क्या है? जेने सब धर्म का त्याग करके, अर्थात जो भी आप कर्म करते, कर्म फल जो है आपके हाथ में नहीं है, तो मेरी शरण में हो जा, तो कर्म कर जो है अब जब फल देना मेरा काम है। इस प्रकार से जो मेरी अनन्य शरण ग्रहण कर लेता है और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देता है, क्या उचित है क्या अनुचित है, तो मैं उनको सब पापों से मुक्त कर देता हूं। ऐसे उसने जो है माँ के शरणगत होकर के वहां पर बैठे बैठे जिस संकल्प ले लिया कि आज से मैं नया जीवन ही जीऊंगा माँ सच्चे हृदय से। अब जो है चोर जो पीछा करते करते उस सत्संग भवन भी आ पहुंचे, वहां बैठ गए क्योंकि उसके चन चन चलते हुए वहां तक पहुंच गए। और अब जो है चोर बाहर बैठ गए कि हो जो है सिपाही बाहर बैठे और प्रतीक्षा करने लगे सत्संग समाप्त होगा, चोर तो यहीं पे बैठा होगा, जब आएगा उसके चन चन कर करके देख करके हम जो है उसको पकड़ लेंगे। और जब सत्संग कथा समाप्त हुई, बाहर सब लोग जो जा रहे थे, अब चोर भी आए, जब उसके उन्होंने चन चन देखे तो सिपाही ने उसे पकड़ लिया, राज दरबार में ले गए। प्रातःकाल जो है उसे पेश किया गया, महाराज इसने राज दरबार में चोरी की है, हमने इनके चन चन देखते हुए पीछा करते करते भंड से होते हुए हम जब नगर में चले गए, वहां सत्संग में जो बैठा हुआ था और वहां से इसको पकड़ कर लाए हैं, इसने चोरी की है। तब जो है राज ने उससे पूछा, सत्य बतलाइए कि आपने क्या चोरी की है? तो चोर ने कहा, महाराज इस जन्म मैंने कोई चोरी नहीं की है। तब सिपाहियों ने कहा, ये तो झूठ बोलता है, हमने इनके चन चन की जो पहचान कर करके इसको पकड़ा है और चोरी इसने की है, ये झूठ बोलता है। और वह कहता है कि इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। राज ने कहा, ठीक ही, फिर जो है परीक्षा होगी। तो राजा जो है भविष्य शक्ति को पास थे, सत्यवादी थे, और वह जब किसी की परीक्षा लेते थे तो उसका क्या था, ढाई पत्ते पीपल के हाथ पर रखते, उसके कच्चे सूत से जो बांधते और फिर लोहे की सलाखा जला करके जो है गर्म कर करके उसके ऊपर रखते, जब वे पत्ते हाथ जो है बस जलता है तो वह सत्य साबित हो जाता है कि इसने चोरी की है, इसने गुनाह किया है। जब वह ना जले तो वह व्यक्ति सत्य होता है, उसने कोई अपराध नहीं किया होता था। ऐसा वह राजा सत्यवादी राजा था। अब उसने कहा कि परीक्षा लीजिए इसकी। तो ढाई पत्ते उसके हाथ पर रखे, कच्चे सूत से बांधा और लोहे की सलाखा गर्म कर करके उसके हाथ पर रखी, वह ना तो पत्ते ना ही वह धागा जला, हाथ की तो बात ही दूर थी। और जो है सलाखा जब नीचे रखी जमीन के ऊपर तो जमीन काली पड़ गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, जे कहता है कि इस प्रकार से ये तो सत्य बोल रहे हैं, ये चोर झूठ बोल रहे हैं, किसको पढ़कर ले आए हैं, ये तो कोई संत पुरुष है, इसलिए इसने चोरी नहीं की है। तब उन्होंने चोरों को डांटा कि आपने ऐसे निर्दोष व्यक्ति को पकड़ कर लाया है, इसलिए मैं आपको दंड दूंगा, आपको दंड दूंगा। तब चोर ने कहा, महाराज इनको दंड मत दीजिए, जो सच बोल रहे हैं चोर मैं ही हूं, मैंने ही चोरी की है। तो उसने कहा, आप इनको बचाने के लिए ऐसा मत बोलिए।
तो उन्होंने कहा कि बोलो क्यों नहीं, चोरी जब मैंने की है, मैं जानता हूं चोरी जहां पर की है मैंने और धन कहां पर रखा हूं यही मुझे पता है। आपको यकीन नहीं होता तो मेरे पास सिपाही भेजिए मेरे साथ, मैं ला करके देता हूं। सिपाही भेजे गए गे वन में और वहां से धन लेकर के वापस लौटे। उन्होंने कहा कि यह जो है ये चोरी मैंने की थी राजन। तो राजन ने पूछा जब मैंने परीक्षा की तो तब तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला। इसलिए जो है ये कारण क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप कहते मैंने चोरी की है, हाथ आपका जला नहीं, मैं कैसे मानूं कारण क्या है। उसने कहा महाराज मैं चोरी करके धन बन में रख गया और नगर में चला गया, वहां सत्संग हो रहा था, सत्संग में ये कथा मैंने सुनी तो मैंने वहीं पर संकल्प लिया। तो कहते हैं कि जब जैसे संकल्प लिए जाते हैं तो उसका न्याय जन्म हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि अब तो मेरा न्याय जन्म है, जन्म तो मैंने चोरी नहीं की, ये चोरी तो पिछले जन्म की थी, तो जो पूर्व जन्म की तो इस जन्म की चोरी तो जो मैंने की ही नहीं, अभी तक कोई अपराध किया ही नहीं, तो सीधे मुझे जहां पर जो ले आए इसलिए मैंने जो संकल्प लिया था इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। तो राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आपने मैंने संकल्प लिए है कि आज से कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा, हमेशा जो है धर्म के मार्ग पर चलता धर्मानुकूल कर्म करूंगा, उस महाभगवती आदि शक्ति के शनक धो करके उसकी आराधना अर्चना पूजा करूंगा। बोलो सच्चे दरबार की। जिस सत्संग का प्रभाव जो उसके चोर जीवन में हुआ उसका जीवन बदला, राजा प्रसन्न हुआ जिस आपने जो है जी अब गुण छोड़ करके सद्गुण प्राप्त किए हैं, सत्संग जो है मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। कहते कि राज ने उसको सम्मानित किया। तो भगवत की आराधना से सत्संग से जे सत्संग जो है भगवान की आराधना जे जब पाठ जो है जे मनुष्य को जो है वह मनुष्य तर जाता है, भव सागर से पार हो जाते हैं, संसार में सम्मानित, उसका यश उसकी कीर्ति अटल बनी रहती है, इस प्रकार सब दुखों का नाश होते हैं, माँ के शरणक धोकर जो माँ की साधना करते हैं सुखों की प्राप्ति होती है, जीवन यात्रा सुखद हो जाती है, जीवन मंगलमय हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है, और जो है इस लोक में वह साधस्म सुखों का भोग करता हुआ उसका परलोक जो है कल्याणमय हो जाते हैं। जब इस प्रकार साधक जो है माँ के शरणक धोकर के जिस संकल्प लेता है कि माँ मैं पापी हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ उन अपराधों को स्वीकार करता। देखिए मनुष्य जो है जब जो है पाप करता है तो कभी किसी को बताता नहीं, कभी नहीं बताएगा, उसको छिपाएगा, और जब पुण्य करते हैं हजारों लोगों को बताएगा और देखते हैं मैं पुण्य कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं गंगा स्नान कर रहा हूं, लोग मुझे देखें, घर आकर ही बतलाते हैं, जहां जहां जाएगा जहां बैठेगा वहां मैं तो प्रयागराज गया था, वहां इतनी डुबकी लगाई, वहां यही किया, वहां पर मैंने संतों को ध्यान दिया, पूजा की, ये सब किया, तो पुण्य कर्म सबको बखान करेगा लेकिन पाप नहीं बतलाएगा। जो व्यक्ति कहा शास्त्र में जो जो है अपने पाप को प्रकट कर देता है कि मेरा जहां से अपराध हुआ माँ और मैं तेरी शरण में हूँ, आगे के लिए संकल्प लेता हूँ कहीं पाप नहीं करूंगा, माँ मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ऐसा ज्ञान ऐसी बुद्धि दीजिए ताकि मैं संकल्प में सफल हो सकूं, क्योंकि आपकी कृपा हो तो ही साधु के सफल होते हैं, नहीं तो नहीं, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। जैसे योगी वैरुणा जो था जिसने अंतिम समय में इसी स्थान पर जो है अपने पापों का प्रायश्चित करते माँ से क्षमा प्रार्थना की थी कि माँ मैं पापी हूँ, मैं तुझे यह पहचान नहीं सका, मैं तो बड़ा पापी हूँ, लोग मुझे किस दृष्टि देखेंगे, माँ मुझे क्षमा कीजिए। तो उसे माँ ने योगी वैरुणा से यही कहा था कि योगी वैरुणाथ आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा याचना की है, मैं तुझे क्षमा करती हूँ, जो वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जो भी मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में भक्तजन आएंगे वह जाति बार तेरे भी दर्शन करेंगे तभी उनकी यात्रा सफल होगी। इससे जो सिद्ध होता है कि बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी, बड़े से बड़ा दुराचारी भी जब सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ, अपने गुनाहों को स्वीकार करता हुआ माँ के शरणागत होकर के क्षमा याचना करता है और आगे के लिए संकल्प लेता है कि मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा, कभी कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा, तो माँ की कृपा से माँ का आशीर्वाद से उनके समस्त पापों का नाश होते ही परम पुण्य की प्राप्ति होती है और ऐसे साधक भी वह भी संसार में पूज्य हो जाते हैं, जैसे योगी भैरवनाथ पूज्य हुए, आज सभी उसकी पूजा करते हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त कर करके कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए
भगवती की शरणागत होकर के माँ से ऐसी प्रार्थना करें कि भगवती माँ हमसे जो भी किसी प्रकार से जीवन में जानने अनजाने में कोई अपराध हुए हैं, कोई पाप हुए हैं, तो माँ हमें क्षमा करना, हम भक्तों का मार्गदर्शन करना और जो है सदा सर्वदा हमें जो अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों की भक्ति हमें प्रदान करना, ताकि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए आपके चरणों की भक्ति करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके। हे माँ सदा सर्वदा हमें ऐसा वरदान देना, हमें आशीर्वाद देना। बोलो सच्चे दरबार की जय। शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूँ शर्मिंदर से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग देना से मिलकर बोला ताली बजाते हुए श्री मनिंदर जी। जय करा श्री रमन जी का सच्चे दरबार की जय। एक बार बोलो हजार बार बोलो के बार बार बोलो जय माता की। एक बार बोलो हजार बार बोलो के बार बार बोलो जय माता की। एक बार बोलो हजार बार बोलो के बार बार बोलो जय माता की। एक बार बोलो बोलो हाँ प्यारा नाम बोलो हाँ माँ का नाम बोलो जय माता की। मीठा नाम बोलो हाँ प्यारा नाम बोलो हाँ माँ का नाम बोलो जय माता। हाँ एक बार बोलो हजार बार बोलो के बार बार बोलो जय माता की। एक बार बोलो हजार बार बोलो के बार बार बोलो जय माता। ताली सभी हाथ खोल कर लगाई, ढीली ताली नहीं, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता रहे। जब माँ के कानों में जाए जयकार, जब माँ के कानों में जाए जयकार, जब माँ के कानों में जाए जयकार, जब माँ के कानों में जाए। ममता के बादल मेरी माँ झुलाए, ममता के बादल मेरी माँ झुलाए, हो ममता के बादल मेरी माँ झुलाए, ममता के बादल मेरी माँ झुलाए। चुन लो मुरादों के फल मीठे मीठे, मौका ये बार बार भगतों ना आए, मौका ये बार बार भगतों ना आए, मौका ये बार बार भगतों ना आए। सुबह शाम बोलो मिलके तमाम बोलो बस एक नाम बोलो जय माता की। एक बार बोलो हजार बार बोलो के बार बार बोलो जय माता। एक बार बोलो हजार बार बोलो के बार बार बोलो जय माता की। एक बार बोलो हजार बार बोलो के बार बार बोलो जय माता। हाँ मीठा नाम बोलो हाँ प्यारा नाम बोलो हाँ माँ का नाम बोलो जय माता। मीठा नाम बोलो प्यारा नाम बोलो माँ का नाम बोलो जय माता। माँ का नाम लेना कोई शर्म नहीं भगतो, माँ का नाम लेना कोई शर्म नहीं भगतो, माँ का नाम लेना
अब कोई धर्म नहीं भगतो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं भगतो, जिसमें माता की ना पूजा कहीं हो, ऐसा तो कोई भी धर्म नहीं भगतो, ऐसा तो कोई भी धर्म नहीं भगतो, ऐसा तो कोई भी धर्म नहीं भगतो। गीता का ज्ञान बोले, विष्णु पुराण बोले, शिव का पुराण बोले, जय माता की। एक बार बोलो, हजार बार बोलो, के बार बार बोलो, जय माता दी। एक बार बोलो, हजार बार बोलो, के बार बार बोलो, जय माता दी। एक बार बोलो, हजार बार बोलो, के बार बार बोलो, जय माता। नाम बोलो, हाँ प्यारा नाम बोलो, हाँ माँ का नाम बोलो, जय माता की। नाम बोलो, प्यारा नाम बोलो, माँ का नाम बोलो, जय माता। जोर से बोलो और ताली बजाओ, 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 सुनके भी नहीं सुना सबको सुनाओ, 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 सबसे ये सच्चा है झूठ ये भगतों, जय माँ की गंगा में बहते ही जाओ, जय माँ की गंगा में बहते ही जाओ, जय माँ की गंगा में बहते ही जाओ। धरती विशाल बोले, अंबर पताल बोले, तारों का जाल बोले, जय माता की। एक बार बोलो, हजार बार बोलो, के बार बार बोलो, जय माता। एक बार बोलो, हजार बार बोलो, के बार बार बोलो, जय माता की। एक बार बोलो, हजार बार बोलो, के बार बार बोलो, जय माता। नाम बोलो, हाँ प्यारा नाम बोलो, हाँ माँ का नाम बोलो, जय माता की। नाम बोलो, प्यारा नाम बोलो, माता नाम बोलो, जय माता। एक बार बोलो, हजार बार बोलो, के बार बार बोलो, जय माता की। नाम बोलो, बोलो, हजार बार बोलो, के बार बार बोलो, जय माता दी। बार बोलो, हजार बार बोलो, के बार बार बोलो, जय माता, के बार बार बोलो, जय माता दी, के बार बार बोलो, जय माता, के बार बार बोलो, जय माता दी, के बार बार बोलो, जय माता, के बार बार बोलो, जय माता दी, के बार बार बोलो, जय माता दी। जयकारा शिरों वाले जी का बोल सच्चे। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी। जयकारा शिरों वाले बोल सच्चे दरबार की जय। पुल बख्श मेरे माता, मैं पापी द्वार तेरे चलाया, पुल बख्श मेरे माता, मैं पापी द्वार तेरे चलाया, पुल बख्श मेरे माता, मैं पापी द्वार तेरे चलाया, पुल बख्श मेरे माता, मैं पापी द्वार तेरे चलाया, और मेरी था है केड़ी जे तू गले न लगाया, और मेरी था केड़ी जे तू गले न लगाया, माहौर मेरी था है केड़ी जे तू गले न लगाया, माहौर मेरी था है केड़ी जे तू गले न लगाया, फुल बख्श मेरी माता, मैं पापी द्वार तेरे चलाया, फुल बख्श मेरी माता, मैं पापी द्वार तेरे चलाया, फुल बख्श मेरी माता, मैं पापी द्वार तेरे चलाया।
ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਰਜ ਰਜ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਮੈਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਦੀ ਮਸਤੀ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਦੀ ਮਸਤੀ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਨਾ ਰਜ ਰਜ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਮੈਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਰਜ ਰਜ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਮੈਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਦੀ ਮਸਤੀ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਦੀ ਮਸਤੀ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਬਦਲੇ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਬਦਲੇ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਦੁਲ ਪਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਮਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਓਹ ਹੋਏ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਓਹ ਹੋਏ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਓਹ ਹੋਏ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਓਹ ਹੋਏ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਭ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਭ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਭ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਭ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਪਚੜਾ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਪਚੜਾ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਬੁਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਬੁਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਬੁਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਬੁਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਦੇਖੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਮਾਂ ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਝੂਠੇ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਈਆ ਮਨ ਚਰਨਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਈਆ ਮਨ ਚਰਨਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਬੁਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਬੁਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਮਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਬੁਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ
मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चला हाँ बोल बख्श मेरे माता मैं पापी द्वार तेरे चला हाँ बोल बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चला मैं पापी द्वार तेरे चलाया 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 मैं पापी द्वार तेरे जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय तुम्हारा छोड़ कर दामन माँ जगदम्बे कहाँ जाओ तुम्हारा छोड़ कर दामन माँ जगदम्बे कहाँ जाओ तुम्हारा छोड़ कर दामन माँ जगदम्बे भावना ये है न भर
शक्ति है ध्यानों के जैसा भाव मेरी मैया कहाँ पाऊं भगत ध्यानों के जैसा भाव मेरी मैया कहाँ पाऊं तुम्हारा छोड़ कर दामन मजगदम्बे सुरथ समाधि भी तरे थे नाम लेने से भगत सुरथ समाधि भी तरे थे नाम लेने से ततो वब्रन पौराजम अभिभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यम् अथ शत्रुबलं बला सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्भिन्नमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् भगत सुरथ समाधि करे थे नाम लेने से भगत सुरथ समाधि भी करे थे नाम लेने से करे थे नाम लेने से तुम्हारे ही भरोसे पर के तर जाओ तुम्हारे ही भरोसे पर ये संभव है के तर जाओ तुम्हारा छोड़ कर दामन मजगदम्बे कणकमयं पुस्तकं जनगम्यं
साधन भदंत स्वकृत्र जब शास्त्र भजन शब्द क्रीडंत दिभिरोपकर कमलधर भरती सुप्रसन्ना सच्चे ज्योता वाले माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज 14 प्रविष्टि ही कृष्ण पक्ष आज अष्टमी तिथि ही मंगलवार तदनुसार 26 फरवरी सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की सीमन कंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेषतया आज अष्टमी एवं मंगलवार के दिन जो है माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए है। अष्टमी नवमी और चतुर्दशी जो माँ भगवती के विशेष दिन होते हैं जिसमें की भगवती विशेष पूजा आराधना अर्चना जप पाठ स्नान दान इसका अनंत गुणफल होते ही फिर शक्ति पर पढ़ा करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए ऐसी परम पवित्र तिथि में भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का तो इसका अक्षय फल होते हैं, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। माँ की इसी तरह से आप पर कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भाने भव शरमान जशस्वे भव प्रज्ञा भाने भव भूर्भुत करणे धाने कनिष्ठा भव तेजस्वी भव व्यार दर्भदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम देश शरीर वर्चस आज समारोग्यमाविदात् शुभमानम हियते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्सवसरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धान्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक कर बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आपसे भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे समर्पण होना चालू जाते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम सदन धावत मैया जी गोनी सदन धावत हरि ब्रह्मा जीवरी ओम जय अम्बे गौरी
नमस्तस्य नमो नमः
नमस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः दुर्गा माता की जय कृष्ण माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चेधार की जय। परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक्त जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे प्रेम से बोलो माता जी, समय बोलो माता जी, हाथ बोलो माता जी, ताल बजाते माता जी, बोलेंगे माता जी, भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर के बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन दुःखभाग्भवेत्। शान्तिः क्रम देखे सुने और मान्य मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। कल्याण जय मां।
Hare Krishna.
Oh,